पर्सन बेनकेक्स एक ऐसा चैप्टर है, ये भी ना एक कहानी था ना एक किताब का उठाया गया एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है जिसके अंदर बताया गया कि कैसे ऑथर बताता है वहाँ काम कर रहा होता है, कहानी बनती है कैसे शूटिंग होती है, तो जितने भी शूटिंग वगैरह सब होती है वो उस स्टूडियो के बारे में पूरी जानकारी देता है, उसकी जो बैक स्टेज के ऊपर सब कुछ चल रहा होता है। कोई सी भी कंपनी होती है ना दोस्तों, कोई सा भी इंस्टीट्यूट होता है, किसी तरह का इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी कंपनी समझ लो आप, तो कोई कंपनी वहाँ सब कुछ स्मूथली नहीं चल रहा होता। हर कंपनी के अंदर ना कोई दो तीन बड़े जिम्मेदार लोग होंगे और 8-10 लोग होंगे जो बेकार में ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे, इस तरह से पूरा हर किसी कंपनी का ये सब चल रहा होता है। किसी भी ग्रुप के अंदर यही होता है कि दो तीन बड़े बड़े बढ़िया बंदे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कुछ कर रहे होंगे, तो वही सारी कहानी बताता है वो कि कैसे कुछ अच्छे लोग थे वहाँ पे, कुछ बुरे लोग थे, कैसे वहाँ काम किया जाता था, वो उसके बारे में क्या सोचता है जेमिनी स्टूडियो के बारे में। अब जेमिनी वर्ड क्या रटना पड़ेगा? नहीं ना, जेमिनी स्टूडियो आपको याद रहेगा। ये क्या पेनकेक्स ना एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी का नाम है। अब आप, मैं भी सोचता था यार ये पेनकेक्स क्या है, पता चला कि ये जो पेनकेक ना उस समय में ना एक ब्यूटी वगैरह मेकअप का जो होता है ना, मेकअप का जो ब्रांड होता है, मेकअप के प्रोडक्ट्स का ब्रांड का नहीं है पेनकेक्स, जो उस स्टूडियो में बहुत, तो भैया वहाँ नाचते थे गाते थे तो हीरोइन आएंगी, हीरो आएंगे और उनके मुंह पे पूरा लीपापोती की जाती है पेनकेक वगैरह। हमारी तरह थोड़ी ऐसे उठ के आ गए, मूवी नहीं ठीक से खड़े हो गए आगे, बच्चे बोलते हैं सर नहीं यार नेचुरल ब्यूटी है ना यार, तो आप लोग बोलते हैं सर स्मार्ट लग रहे हो, ठीक है और क्या, ठीक है विदाउट मेकअप। लेकिन क्या होता है फिल्म स्टूडियोज में ऐसा नहीं होता, वहाँ पूरा एक मेकअप किट होती है, मेकअप मैन होता है वो आता है मेकअप करता है पूरा और तब ये पूरा चलता है। चलो जी अब उसी की कहानी है, उसमें जो जो वर्ड आपके सामने आ सकते हैं पहले इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, जैसे मेडन का मतलब अनमैरिड गर्ल होती है शादी नहीं, हीजियस का मतलब अगली, कोवर्टली का मतलब सीक्रेटली, हो उसका मतलब सौर यानी आपकी दर्द जो होते हैं, फ्लुएंट का मतलब रिच बहुत वेल्दी, डिमेनर का मतलब बिहेवियर मतलब आपका जो व्यवहार है वो, ठीक है। चलो अब जो राइटर है उसका नाम है अशोका मित्रंस, तो अशोका मित्रंस जॉब एट द जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स, मेक अ ब्रांड पेनकेक्स विच द स्टूडियो यूजेज एक्सटेंसिवली। वो इस कहानी की स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं जिसमें वो पैनकेक्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पैनकेक्स के बारे में क्या बात करते हैं कि पैनकेक्स एक ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड है जो सब बहुत ज्यादा यूज किया जाता था उस स्टूडियो में। कौन से स्टूडियो में कमेंट करके बताना कौन से स्टूडियो है, देखो कितना सुना और समझा आपने, कौन से स्टूडियो में, कैन यू प्लीज लेट मी नो कौन से स्टूडियो की बात हो रही है। पैनकेक्स कौन से स्टूडियो की बात हो रही है बताना, पैनकेक्स कहां पे इस्तेमाल किया जाता था, मेकअप ब्रांड है पैनकेक्स। जेमिनी, सही जवाब दे रहे हैं जेमिनी, जेमिनी बिल्कुल सही जवाब यार, थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन मैं जब मैं खड़ा हूँ ना, मैं भी गांधी जी की तरह देखो एकदम खड़ा हुआ डटा हूँ, आप भी मेरे साथ डटे रहोगे मुझे उम्मीद है, थोड़ा बहुत नेट का इशू हो रहा है, आई रियली अंडरस्टैंड, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, आई एम सो सॉरी गाइस, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई एम रियली सो सॉरी, बट आज ही फाइनल है, आज के बाद इसमें आपको नेट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम कुछ भी करेंगे लेकिन इसको सही करा के रहेंगे, सो प्लीज़ आज थोड़ा सा मेहनत कर लो, आज थोड़ा बेयर करो मेरे साथ, प्लीज़ कोऑपरेट, ओके। तो भाई जेमिनी स्टूडियो मेकअप ब्रांड पैनकेक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ही गोज ऑन टू डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाय द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस सच एज द इंटेंस लाइटिंग इन द मेकअप रूम एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मेकअप टू मेक देम लुक अनअट्रैक्टिव। वो बताते हैं कि पहले तो बताते हैं कि हमारे जो स्टूडियो जहां जेमिनी स्टूडियो में काम करता था वहां पे ही टॉक्स अबाउट द पैनकेक्स ब्रांड। सबसे पहले पैनकेक्स ब्रांड के बारे में बताते हैं जो कि एक मेकअप ब्रांड है जो कि एक्सटेंसिवली यूज का मतलब एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था कहां पे, जेमिनी स्टूडियो के अंदर। अब फिर उसके बारे में बात करते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस के जो वो स्ट्रगल है या फिर कह लो कि जितनी वो मिजरी है जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लाइटिंग में रहना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, इतना मेकअप लगाना पड़ता है जो कि उनको अनअट्रैक्टिव बना देता। तो ये सरकैज़म मार रहा है उन्होंने कि अनअट्रैक्टिव बना देता, सरकैज़म है जबकि अनअट्रैक्टिव नहीं, मेकअप किया जाता है अट्रैक्टिव। क्या 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 कि जेमिनी स्टूडियो में किसी का प्रॉब्लम होता था एक्ट्रेस को, इंटेंस लाइटिंग यानी बहुत ज्यादा लाइटिंग, हमारे भी यहाँ लाइटिंग लाइटिंग है, पूरा मैं लाइटिंग में रहता हूँ, ठीक है। इस लाइटिंग की वजह से हेडेक भी होता है, बॉडी में भी बड़ी अजीब सी सेंसेशन सी दौड़ती रहती है, तो अच्छा नहीं होता फील, लेकिन यह कि मैं तो आप लोगों के लिए खड़ा रहूँगा, चाहे घंटों भी आपके लिए खड़ा रहना पड़े ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो, प्यार है हम लोगों का आपस का प्यार है, कोई नहीं। लेकिन वो एक्टर एक्ट्रेस क्या होते हैं, फिल्म मेकिंग के लिए शूटिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ही देन टेल्स अस अबाउट दी ऑफिस बॉय हु एस्पायर्स टू वर्क इन वेरियस क्रिएटिव रोल्स इन द फिल्म इंडस्ट्री सच एज डायरेक्टर एक्टर स्क्रीन राइटर और लिरिसिस्ट। हाउएवर ही ब्लेम्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट ऑन सुब्बू। अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदलती है, पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया जेमिनी स्टूडियो का, उसके बाद आते हैं वो कि वहाँ एक ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय जो कि एक डायरेक्टर बनना चाहता था, एक स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो ऑफिस बॉय बनकर रह गया। ऑफिस बॉय मतलब इधर उधर का काम जो देख लेते हैं थोड़ा बहुत वो वाला, लेकिन वो जो लड़का था ना ऑफिस बॉय वो हमेशा सुब्बू को हर चीज़ के लिए कोसता रहता था। ये सुब्बू की वजह, अभी सुब्बू कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का आने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है कैरेक्टर है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले। सुब्बू कौन है भाई, सुब्बू कौन है, कोठा मंगलम सुब्बू, अ ब्राह्मण पोइट
ग्रेट एक्टर मेड फॉर फिल्म्स। मैंने एक ही चीज में ना आपको सारा कुछ बता दिया सुब्बू के बारे में। सुब्बू कौन है? इसका पूरा नाम है कोठा मंगलम सुब्बू, भाई साउथ इंडियन नेम है, इसलिए ये कहानी साउथ इंडियन स्टूडियो की है। कौन से स्टूडियो की? मैं फिर भूल गया। आप मुझे बताओ ना कौन से स्टूडियो की बात हो रही है, बताओ ना कौन से स्टूडियो था, क्या नाम था स्टूडियो का, और ये पैनकेक्स क्या था? फिर उसके बाद ये भी बता दो साथ के साथ, पैनकेक्स क्या था? चलो आप कमेंट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोटा मंगलम सुब्बू जो कि एक ब्राह्मण था, कास्ट से ब्राह्मण था, वो एक पोइट भी था, एक बहुत अच्छा पोइट भी था, वो एक एक्टर भी था, बहुत अच्छा एक्टर भी था, और क्या था वो, और वो फिल्मों के लिए ही बना था। उसे पता था फिल्मों में कैसे चीजों को करना होता है, क्या क्या चीजें बढ़िया रहती हैं। हु कम्स टू हिम विथ कंप्लेंट्स, और जो कि सुब्बू की शिकायत देता था, सुब्बू को कोसता है, तो कौन? ऑफिस बॉय सुब्बू को ब्लेम करता था, इसकी वजह से मेरी इतना जिंदगी खराब हो रखी है, कभी कभी तो दिल करता है कि फट जाऊं इसको अंदर बिठा के, इस तरीके से बातें वो करता रहता था, बड़ा बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था। कौन? ऑफिस बॉय। किससे? कोठा मंगलम सुब्बू से। सुब्बू कौन है? पॉइंट भी है, वो एक एक्टर भी है, मल्टी टैलेंटेड है। सुब्बू इज मल्टी टैलेंटेड, लिख दोगे ना एग्जाम में, लिख दोगे ना सुब्बू के बारे में आएगा। सुब्बू कौन है? अब तो याद हो गया होगा कि सुब्बू एक मल्टी टैलेंटेड क्या था, एक पोइट भी था, his value and his hospitable nature. पहले author को भी लगता था, author कौन है? अशोका मित्रन, author का नाम है अशोका मित्रन, जिसे हम बोलते हैं अशोका मित्रन, वो जो वहाँ पे पेपर कटिंग करा करते थे, वो ऑथर हमारे, ठीक है। तो ऑथर को भी लगता था कि सुब्बू ना वाकई में ना एक सिरदर्दी है यार, कितना बोलता है यार, ये कितना बोलता है यार, मगर टैं 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 हर चीज़ में टांग अड़ाता रहता है, कैसा ये लड़का, हर वक्त हंसी मजाक करता रहता है। लेकिन इवेंचुअली बाद में आखिरकार ऑथर को एहसास होता है कि उसकी वैल्यू के भाई सुब्बू कितना वैल्यूएबल आदमी, कितना बढ़िया आदमी है, और उसका हॉस्पिटेबल नेचर, कितना वो लोगों से घुलता मिलता है, कितना फ्रैंक नेचर का है, कितना फ्रेंडली है। सुब्बू इज अ रिसोर्सफुल मैन विद अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी मेकिंग हिम एसेंशियल टू द फिल्म इंडस्ट्री। सुब्बू क्या था? एक रिसोर्सफुल मैन था, मतलब उसके पास हर चीज का जवाब होता था, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भाई सुब्बू को बुला लो। ऐसा होता है ना घर के अंदर भी, परिवार में भी ऐसा होता है ना, स्कूल आप जाते हो, आपके स्कूल में भी एक होता है ना, एक ऐसा क्या हुआ सर, वो नेट का रिचार्ज खत्म हुआ, अरे मेरे फोन से नेट ले लो यार, लो चला ले यार, वाईफाई ले लो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, खुश हो जाओ सर, वो साइंस के टीचर का टेस्ट है, मेरी प्रिपरेशन नहीं, अरे मैं बात कर लूंगा, नहीं पीटेंगे तुम्हें, ठीक है। सर के टीचर होते ना स्कूल में, होते ना, उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वही चीज हमारा सुब्बू। ऐसे ना आप जब काम करोगे, बड़े होकर जाओगे किसी कंपनी में, वहां भी आप देखोगे कुछ ऐसे लोग होते हैं कंपनी में जिनके पास हर चीज के, लाइट खराब हो गई भाई देख लो वो लाइट भी सही करवा देंगे, अरे ये खराब हो गया ये भी सही करा देंगे, अरे खाने को लाने लो खाने को भी ला देंगे, नाचना नाच भी लेंगे, रोना है रो भी देंगे, सब कुछ कर देते हैं वो, ऐसे होते हैं वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं। हर जगह होता है ऐसा वन मैन आर्मी, बताओ हजरा लड़का हमारा, वही होते हैं भाई, होते नहीं है तुम्हारे ऑफिस में, ऐसे कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं करता ठीक से काम है, चलो भाई आ जाओ। सुब्बू इज अ रिसोर्सफुल मैन विद अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी मेक, भाई सुब्बू क्या था? सुब्बू ऐसे ही था, सुब्बू ना बहुत ज्यादा एक तो लॉयल था, बड़ा ना वफादार आदमी था, झूठ फरेब बेईमानी उसमें नहीं थी। सुब्बू के बारे में बहुत बात होगी क्योंकि सुब्बू एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चैप्टर का, तो सुब्बू क्या था, बहुत एसेंशियल था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसके बिना फिल्म बनानी मुश्किल थी, ऐसे मान लो साउथ इंडियन फिल्म में जेमिनी स्टूडियो में फिल्म बनाना वो लिटरली लाइकली टू बी एसेंशियल, वो क्या कहते हैं लाइकली टू बी इम्पॉसिबल टू मेक फिल्म विदाउट हिम, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू द ड्रीमर्स इन द स्टूडियो, सुब्बू हैज अ न्यूट्रल माइंडसेट एंड अ लॉजिकल अप्रोच। कुछ लोग होते थे जो सिर्फ ख्वाब देखते रहते थे कि कल को ना, आज प्ले बॉय क्या बोलते हैं उस पर, आज स्पॉट बॉय हूँ, कल आऊंगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन सुब्बू ऐसा नहीं था, सुब्बू जानता था वो न्यूट्रल माइंडसेट का था, बड़े बड़े सपने नहीं देखता था, फालतू के सपने, लॉजिकल रहता था, प्रैक्टिकल रहता था। कौन? सुब्बू। क्या नाम था उसका? कोठा मंगलम सुब्बू। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल द टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। हमेशा चीयरफुल रहता था, मुस्कुराता रहता था, बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ मुस्कुराता रहता हूं, देखो ना खड़ा हूं, ठीक है, चार घंटे भी खड़ा, ठीक है। तो चीयरफुल रहता था हर वक्त, चीयरफुल एकदम खिलखिलाता रहता था, मुस्कुराता रहता था, जिंदगी को जीता रहता था। तो ही वाज फुल ऑफ लाइफ, ही वाज ऑलवेज चीयरफुल, ऑलवेज चेयरफुल। इवन उसका एक हाथ था, उसका बड़ा हाथ था एक फ्लॉप फिल्म देने में भी, एक फिल्म में काम किया था उसने, काम करवाया था, फिल्म बनवाई थी जिसके अंदर वो फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हुई थी, तब भी वो मुस्कुराता रहता था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज हाईली क्रिएटिव एंड कुड गिव डायरेक्शंस एंड डेफिनेशंस इन फिल्म मेकिंग। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव था, हाईली क्रिएटिव था, और डायरेक्शन भी देता था, डिफाइन भी करता था चीजों को वो फिल्म बनाने के अंदर, ठीक है। तो सब कुछ कर लेता था। सुब्बू हैड मैनी एनिमीज, सुब्बू के बहुत दुश्मन थे, याद रखना दुश्मन उसी के होते हैं जिसके अंदर कोई बात होती है। अगर आपका कोई दुश्मन है ना, तो ये मत सोचो कि तुम बुरे हो, ये सोचो तुम में बहुत अच्छाइयां हैं, यू आर बेटर देन अदर्स। When you are better than others, आपको दुश्मन ना इस तोहफे में मिल जाते हैं, जेलेसी ग्रजेस ये सारी चीजें साथ में आ जाती है ना। मान लो अगर कोई नहीं, मान लो तुम स्मार्ट हो, तुम हैंडसम हो ना, तुम ब्यूटीफुल हो, अब तुम्हारे दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है, इट्स द रूल ऑफ द लाइफ मैन, ठीक है। अच्छा होना अपने आप में ही ना बुरा हो जाता आपके लिए, तो लोग आपसे जलने लगते हैं। ऐसे सुब्बू के साथ था, सुब्बू इतना बढ़िया बंदा था, इतना रिस्पॉन्सिबल था, जेमिनी स्टूडियो में नंबर टू था वो, मतलब मालिक के बाद सबसे नंबर टू पे कौन आता था, फिर उसके बाद मालिक होता है, ओनर है, ओनर के बाद अगर वहाँ किसकी सबसे ज्यादा चलती थी तो किसकी चलती थी, सुब्बू की चलती थी। तो सुब्बू क्या था, उसके एनिमीज भी बहुत थे। ऑल्सो देर वॉज अ लीगल एडवाइजर हु वॉज द मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हु ऑलवेज लुक्ड सैड अलोन एंड हेल्पलेस। एक और एक वहाँ पे ना एक लीगल स्टोरी डिपार्टमेंट था, सॉरी
एक स्टोरी डिपार्टमेंट था जहाँ स्टोरियाँ लिखी जाती थी, उन पर काम किया जाता था। तो वहाँ ना पता है जो फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, उन्हें भी ना लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है, यानी लॉयर्स की जरूरत होती है। लीगल कॉपीराइट करवाना, पेटेंट्स लेना, इन सब चीज़ों का काम होता है लीगल एडवाइजर का। तो एक स्टोरी डिपार्टमेंट था वहाँ का, जो लीगल एडवाइजर था वो भी एक बड़ा एक शख्स था, बहुत बढ़िया नहीं था। क्या प्रॉब्लम थी, वो हमेशा ना एकदम मुँह लटका है, आ जाता था मुँह उठा गई हूँ सबसे, मुँह बना के अकेले अकेले रहना, खड़ूस टाइप का एकदम बकवास साथ में, कभी खुश नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं ना जिनके चेहरे पर लिखा होता है 12, उनका बर्थडे आज मेरा टॉप करे, आज एग्जाम में टॉप कर लिया मैंने, अरे मतलब कभी तो खुश हो जा भाई। उन्हें ना सिर्फ मतलब देसी नेगेटिविटी इन एवरी पॉजिटिविटी, हमेशा वो देखते रहते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, क्या बुराई है, बुराई देखते रहते हैं। बारिश हो रही क्यों हो गई, धूप पड़ रही क्यों पड़ गई, ठंड आ गई क्यों, अरे तो भाई तुम क्या चाहते हो। तो ये वो लोग होते हैं जो कश्मीर में जाके जो बर्फ हो रही थी स्नोफॉल के अंदर भी ना वो बारिश ढूंढ रहे होते, बारिश तो हो ही नहीं रही, बर्फ पड़ गई, वो उनसे उन्हें वो नहीं चाहिए, अकेला रहता था, हेल्पलेस सा रहता था। वन डे एन एक्ट्रेस स्पॉट ऑन सेट एंड डिप्रेस्ड हर ग्रीवांसेस अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। एक बार क्या वो एक्ट्रेस तो होती है, थोड़ा सा एक्ट्रेस है मैं, थोड़ा सा तो रखती है ना, नखरा वगैरह से दिखाती है, उनके टेंट्रम्स होते हैं। तो एक एक्ट्रेस थी उस जमाने में शूटिंग कर रही थी, तो वो ना किसी बात को लेके ना वो ऐसे ही परेशान होती, प्रोड्यूसर को कह रही थी क्या प्रोड्यूसर है, बिल्कुल भी यहाँ इन्होंने इंतजाम सही नहीं कर रखा, ना मेकअप आर्टिस्ट दिख रहा है, ना यहाँ स्पॉट बॉय है, कोई भी नहीं है, ना मेरे को किसी ने जूस के लिए पूछा, मैं क्या फंस गई, मैं तो यहाँ बस फिल्म पूरी कर रही हूँ क्योंकि साइन कर ली पैसे ले लिए, वरना मैं ना करती ऐसे, वो केयर कर रही थी, गुस्सा हो रही थी। द लीगल एडवाइजर रिकॉर्डेड हर वॉइस एंड प्लेड इट बैक ड्यूरिंग फिल्मिंग लीविंग द एक्ट्रेस स्टन्ड एंड शॉक्ड। वो जो लीगल एडवाइजर था चलाक का लॉयर आदमी था, उसने निकाला एक, उस वक्त में मोबाइल तो नहीं होते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, उसने एक टेप रिकॉर्डर होता था वो लिया, क्योंकि वहाँ तो काम ही सब चीज़ का होता था, रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, फिल्म मेकिंग होती थी, और वहाँ पे उसकी एक्ट्रेस की ना आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, ये सब कहते हुए गलत काम किया, गलत बात। फिर क्या हुआ, शी नेवर रिटर्न टू द सेट अगेन, दिस इज हाउ द लीगल एडवाइजर ब्रॉट अ सैड एंड टू द करियर ऑफ अ हीरोइन। अब क्या होता है, जब वो फिल्म का शूट दे रही होती है, सांस ले रही होती है, पीछे से आवाज़ प्ले होती है वही वाली, जहाँ वो प्रोड्यूसर को भला बुरा कह रही होती है। अब वो ये सुन के वो बेचारी बड़ी एकदम शॉक रह जाती है, सरप्राइज रह जाती है, ये इसने आवाज़ कहाँ से रिकॉर्ड कर ली। और फिर ना वो वापस वहाँ पटकती नहीं, वो सेट पर आती नहीं शर्मिंदगी में, और इस तरह से एक यंग में, और इस तरह से एक यंग एक्ट्रेस के करियर का एक सैड एंड हो जाता है, एक बहुत ज़्यादा बेकार, एक बुरा अनफॉर्चुनेट एंड हो जाता है। किसकी वजह से, उस लीगल एडवाइजर की तरफ। मैं बता रहा हूँ, कभी किसी के साथ बुरा करके नहीं रह पाओगे, याद रखना। तुमने मान लो किसी की जिंदगी में कांटे बोए ना, तो तुम्हारे पास भी फूल नहीं आने के, तो ये वाली बात यहाँ पे कही गई है कि तुम दूसरे का बुरा चाह रहे हो ना, तुम भी खुश नहीं रहोगे। कर दिया ना, कर दिया एक्ट्रेस का करियर एंड, कर दिया भाई, तू भी तो खुश नहीं रहते हो भाई, तेरा भी तो चेहरा लटका रहता है, लोन रहेगा, अकेला रहेगा, क्योंकि तुम दूसरों की खुशी में खुश नहीं होना चाहते, दूसरों की कामयाबी में कामयाब आप खुश नहीं होना चाहते, दूसरों को कामयाब नहीं देखना चाहते, उसको यही होता है। और जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, बिंदास रहता है, वो हमेशा एंजॉय करता है, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहता है। आगे बढ़ते हैं, द जेमिनी स्टूडियो इनवाइटेड टू इन्फ्लुएंसर। अब आगे की बात बढ़ती है, अब अगली बात आई, अभी हमने क्या क्या पढ़ा जेमिनी स्टूडियो के बारे में, दया बताना जरा, दया बताना क्या जेमिनी स्टूडियो है, वहां पे एक बहुत मल्टी टैलेंटेड है हर चीज आर्मी, वॉज एक्चुअली अ काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट विच वॉज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स। अब क्या होता है, जेमिनी स्टूडियो इन्वाइट करता है दो इन्फ्लुएंशियल प्लेस को, ड्रामे होते हैं ना प्लेस को, उनको इन्वाइट करता है, और जिस जो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, और जो राइटर है, जो इस चैप्टर का राइटर है, जो कि हमारे अशोक का मित्र है, वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो ग्रुप थे ना, वो जो ग्रुप आए थे, जो ग्रुप का नाम था मोरल रेयरमेंट आर्मी, उसकी वजह से वो जो प्ले थे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, उससे सक्सेस मिली थी, ठीक है। जो कि एक काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट था, वो ग्रुप जो था इंटरनेशनल परफॉर्मेंस से, उनको ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आता था, लेकिन उनका पहनावा बड़ा परफेक्ट था, उनकी खुद की जो वेशभूषाएं थी वो बड़ी अच्छी थी, उनका एक्ट काफी अच्छा था, जिस वजह से जो जेमिनी स्टूडियो था वो काफी सक्सेसफुल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की बात होती है, स्टीफन स्पेंडर एक नया कैरेक्टर आया, नया कैरेक्टर स्टीफन स्पेंडर कौन है, एन इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट है, ऑल्सो विजिटेड द स्टूडियो फॉर एन अननोन रीजन कॉजिंग ग्रैंड प्रिपरेशन, दो द रीजन फॉर हिज विजिट वाज अ मिस्ट्री एंड ही वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स। एक और स्टीफन स्पेंडर थे जो कि इंग्लिश पॉइंट थे, वो भी वहाँ विजिट कर रहे थे, जबकि वहाँ के लोगों को साउथ इंडियन थे, साउथ इंडियन आती थी, लैंग्वेज आती नहीं थी, बहुत उनके लिए जोर शोर से प्रिपरेशन हो रही थी कि एक इंग्लिश पॉइंट आ रहे हैं, एक इंग्लिश पॉइंट आ रहे हैं, वो वहाँ विजिट करते, किसी को पता नहीं था वो आ क्यों रहे हैं। अब देखते हैं वो क्यों आ रहे हैं, और ज्यादातर और रीजन नहीं पता था, और उनकी रीजन हमेशा क्या बन गई, मिस्ट्री बन गई, एक पहेली बनी हुई थी, रहस्य बना हुआ था कि क्यों आ रहे हैं वो स्टीफन स्पेंडर। He depended on others who frequently gave him tasks. He later came across a notice in the Hindu about a story organized by a British periodical called The Encounter. Upon reading that, the editor of the journal was Stephen Spender. The mystery of his visit was solved. बाद में ना वो बेचारे डिपेंड थे दूसरों पे, जो भी दूसरे लोग बता रहे थे बात वो कर रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। अब ऑथर जो है अशोक मित्रा, उसको तब तो समझ में नहीं आया था कि वो स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे, लेकिन बाद में एक टाइम एक अखबार था, कौन सा अखबार था, एक अखबार था ब्रिटिश पीरियडिकल कॉल्ड द इनकाउंटर, एनकाउंटर था, जिसके अंदर एक स्टोरी छापी गई थी जिसके जो जर्नल थे, जो एडिटर थे, उस जर्नल के जो एडिटर थे वो कौन थे, स्टीफन स्पेंडर, यानी उन्होंने वो पूरे जो आर्टिकल था वो स्टोरी बनाई थी, ठीक है। तो उसे समझ में आ जाता है कि वो वहाँ पे विजिट क्यों करते हैं, वो जिसमें स्टोरी कवर करनी थी, ठीक है। द ऑथर लेटर डिस्कवर्ड अ बुक टाइटल द गॉड दैट About failed communism, one of the essays was written by Stephen Spender, solving the mystery of his visit and the purpose for which he came to the studio. बाद में एक बुक भी आई थी, The God That Failed, जिसके अंदर भी कम्युनिज्म, उस वक्त में कम्युनिज्म का बड़ा बोलबाला था, कम्युनिज्म, ठीक है। तो फेल्ड कम्युनिज्म, वहाँ पे फेल्ड कम्युनिज्म क्यों था, इसके ऊपर एक बुक आई थी जिसके ऊपर स्टीफन स्पेंडर ने बहुत कुछ लिखा था, 6 ऐसे लिखे थे, जिनमें से एक ऐसे किसने लिखा था,
वन ऑफ द एसेज वर रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, जिससे पता चल गया था कि वहां पे क्यों आए थे। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये चैप्टर इस तरह से खत्म हो जाता है पॉइंट एंड पैनकेक्स के। उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आराम से पढ़ लेना पीडीएफ लेके। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट। ये सवाल है, कौन था स्टीफन स्पेंडर, हमें बताया था उनका पर्पस क्या था। वो कम्युनिज्म पर लिख रहे थे, फेल्ड कम्युनिज्म के ऊपर उन्होंने एसेज लिखे थे, आर्टिकल लिखा था, स्टोरी लिख रहे थे, तो वो इसलिए वहां पे आए थे। ठीक है, ऑथर है। बाकी इसके क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं कि पूरी फ्लेमिंगो के क्वेश्चन ही क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इनके कीवर्ड्स सारी चीजें एक अलग सेपरेट लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। एक में पूरे में कवर करना मुश्किल है, आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो उसका कवर कर लेंगे। अभी बस मैं मोटे मोटे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, author has used gentle and subtle humor to point out human foibles and idiosyncrasies in the lesson portion of elucidate. ye abhi isko skip karna, main nahi chahta abhi aap thoda phaso. abhi thoda simple question, subbu's importance gemini studio subbu ka nahi